गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये देख रहे हैं मेरे सामने, ये पत्थर चट्टा का प्लांट है। तो इसकी मैं आज प्रूनिंग करने जा रही थी। ये जब ये लगाया था तो मैं वीडियो नहीं बनाया था मैंने। इसकी मैंने ब्रांच ही कटिंग करके लगाई थी, वही इतना बड़ा हो गया। तो मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद में मैं इसमें फिर इसकी जितनी भी मोटी मोटी ब्रांचेज हैं वो सब कटिंग करने के बाद मैं इसमें फर्टिलाइज़र लगा डालूँगी। क्योंकि कटिंग के बाद में एक तो ये शौक में आ जाता है, कटिंग की शौक में होता है। दूसरी ये कि इसमें जब से मैंने ये लगाया तब से इसमें मैंने खाद दी नहीं है, बस लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ। सबको डालती हूँ, सभी प्लांट्स को तभी इसमें डालती हूँ। वैसे इसके खाद मैंने लगाई नहीं है। और इसमें ये देखो, इसमें फ्लावरिंग भी हो चुकी है, काफ़ी बड़े अब बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आए थे। ये बिल्कुल कॉर्नर में रखा हुआ था तो इस चक्कर में इसमें कुछ बना ही नहीं पाई थी वीडियो में। तो आज मैंने सोचा अपने न्यू गार्डनर फ्रेंड्स होते हैं जो मेरे, तो उनके लिए मैं ये दिखा दूँ किस तरह से। अब अगर इसकी कटिंग करते हो तो ना, तो इसमें बहुत ढेर सारे स्प्राउटिंग नए नए प्लांट्स रेडी हो जाएंगे। और अभी हो भी रहे हैं इसमें नए नए प्लांट्स। अब ये वैसे मुझे रिपोर्ट भी करना है। ये देखो छोटा सा प्लांट है, छोटू सा बेबी प्लांट, बहुत निकल रहे हैं इसमें। और ये एक्चुअली ये वॉल पुट्टी जो होती नहीं है उसकी ये बैग था, तो उसमें मैंने ये लगा दिया था। और ये देखो इसमें छोटे छोटे से ये स्प्राउट निकलने लगे हैं। तो ये अगर आप लगा दोगे तो न्यू प्लांट्स हो जाएंगे, और न्यू प्लांट्स अच्छे होते हैं। तो वही मैं करूँगी इसमें, ये इस तरह से। और अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसके रिपोर्ट भी कर दूँगी इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गए थे। इसकी रूट भी बहुत फैल गई हैं नीचे। तो देखो ये कितनी मोटी मोटी डंडियाँ निकली हैं ये। अब इसमें मैं खाद भी लगा दूँगी। और ये जो पत्ते हैं ना, ये सिर्फ पत्तों से भी इसमें प्लांट्स रेडी हो जाते हैं। इनके जितने भी जो कट प्लांट होते हैं, कटिंग लगी बनी हुई है, इनमें से एक एक पत्ता, पत्ते में से एक एक प्लांट रेडी हो जाता है। तो ढेरों एक ही पत्ते से ढेरों प्लांट रेडी हो जाते हैं। तो इसका प्रोपोगेशन आप ऐसे भी कर सकते हो, इसकी कटिंग भी लगा सकते हो। अगर पत्ता आप कहीं हल्के से मॉइस्चर और मिट्टी में लगा दोगे तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। और ये देखो मैं खाद डाल रही हूँ उसमें। वैसे ये बैग पूरी तरह से फट गया, बिल्कुल बेकार हो गया, मगर फिर भी मैं, अभी मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं इसी में ही खाद लगा देती हूँ, है ना। जब मेरे पास कोई बैग वगैरह होगा या गमला खाली होगा तो मैं उसमें लगा दूँगी। तो ये इस तरह से मैं इसको पूरी खाद भर दूँगी, है ना। इसको इसकी अभी तो बहुत गर्मी पड़ रही है तो पानी तो देना ही पड़ेगा, तो मॉइस्चर बना के रखना है। मगर दलदली मिट्टी नहीं रखनी है और शेड में रखना है, क्योंकि ये सकलन फैमिली के, कलांचो फैमिली का होता है ये। तो कलांचो जो होते हैं सकलन फैमिली का होता है। पत्थर चट्टा भी कलांचो की तरह होता है। आपने इसकी लीफ वगैरह देखी होंगी, कलांचो की लीफ देखी होंगी, एक जैसी लगती है। तो इसे ये सकलन फैमिली का है, तो ज़्यादा धूप नहीं लगानी है। तो एक ही नेचर का इसमें मेरे एक आध मैंने इसमें वो भी लगा दिए हैं, एलोवेरा भी लगा दिया, तो वो भी सकलन फैमिली का है। तो दोनों एक ही फैमिली के हैं, तो मैं इसे शेड में ही रखूँगी और हल्की, क्योंकि बहुत तेज़ धूप पड़ रही है अब तो, वो 35-36 बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। तो इसे मैं शेड में ही रखूँगी। और इसकी धूप की बात हो गई, पानी की बात हो गई, पानी इसका मॉइस्चर बना के रखना। अभी तो बहुत तेज़ धूप हो रही है तो पानी भी दो बार डालना है। अगर शेड में रखा है तो एक बार डालो, मिट्टी जैसे सूखने ना पाए इसकी मिट्टी, इस टाइप से पानी डालो। मेरे इसमें पानी तो रुकता नहीं है, क्योंकि बैग है तो पानी सारा निकल ही जाता है। टाट का बैग है, वॉल पुट्टी का, तो आराम से पानी तो रुकने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो इसमें पानी वगैरह कम ही डालो। अगर गमले में लगा रखा है तो, बैग में लगा रखा है तो पानी वो निकल ही जाता है, रुकता ही नहीं है उसमें। और गमले लगाओ तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और मिट्टी भी इसकी इस टाइप की हो, इसमें खूब ढेर सारी खाद हो। और वैसे तो ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, मगर फिर भी 30% खाद, 50% सॉइल, गार्डन सॉइल होती है वो हो। और क्या कहते हैं इसमें, धान की भूसी या कोको पेट आप डाल सकते हो, 10-10% दोनों चीज़ें डाल दो। तो इससे क्या होता है कि मॉइस्चर बना रहता है इसमें मिट्टी में, कोको पीट की वजह से। और ऊपर से अगर धान की भूसी डाल दो तो वो मॉइस्चर को होल्ड भी करके रखेगा अभी गर्मियों में। तो वो भी डाल सकते हो, फंजीसाइड पाउडर भी डाल सकते हो इसमें एक चम्मच, पर मैं तो नहीं डालती हूँ, मैं तो सिंपल गार्डनिंग करती हूँ। और इसमें खूब ढेर सारा मैं पानी डाल दूँगी, भर दूँगी, और मेरा पानी इसमें रुकता ही नहीं है, क्योंकि ये टाट का बैग है, मैं पानी कितना भी डालती रहूँ पानी अपने आप निकल जाता है। फ्रेंड्स, नई जानकारी के साथ में फिर मिलती हूँ, है ना। और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।